बेकाबू बंगाल, बंगाल की खूनी सियासत बेकाबू होती जा रही है। शनिवार को बशीरहाट में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष में 8 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में जहां आज बशीरहाट में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है, तो वहीं पूरे बंगाल में वो काला दिवस मना रही है। बंगाल में कहां है कानून व्यवस्था, कहां है पुलिस, कहां है सरकार? बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग छिड़ी है। इस बवाल आंधी में कानून व्यवस्था उड़ती और चरमराती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली में कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बीजेपी उग्र हो गई है। वो पश्चिम बंगाल में आज काला दिवस मना रही है। वहीं आज बशीरहाट में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया गया है। 12 जून को बीजेपी कोलकाता में विरोध रैली निकालेगी, जिसे लाल बाजार अभियान नाम दिया गया है। ये रैली लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय तक जाएगी। दरअसल संदेश खली में झंडा हटाए जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 8 लोग मारे गए। इनमें से 5 कार्यकर्ता बीजेपी के और 3 टीएमसी के बताए जा रहे हैं। असम के वित्त मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि ममता बनर्जी बीजेपी की जीत से बौखला गई है। I think now Mamata Banerjee is frustrated. She knows that she cannot rule West Bengal now. Her days are numbered. There is a need of people movement against Mamata Banerjee. I am sure that state BJP will take adequate measure to strengthen resistance to the Mamata Banerjee's government. पश्चिम बंगाल में राजनीतिक खून खराबी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को एडवाइजरी जारी की। इसमें लिखा गया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर काफी चिंतित है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जारी हिंसा राज्य के कानून व्यवस्था को लागू करने वाली मशीनरी की नाकामी को दिखाती है। लोगों का भरोसा कानून की राज से उठता नजर आ रहा है। इसके जवाब में ममता सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी में दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। राज्य के मुख्य सचिव मलय कुमार डे ने लिखा, हिंसा के सभी मामलों में देरी किए बिना ठोस और उपयुक्त कार्रवाई की गई है। चुनाव बाद हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जिनके पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे। कानून व्यवस्था लागू करने वाले अधिकारियों ने ऐसे सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की है, लेकिन बंगाल की तस्वीरें इस दावे को झुठलाती दिख रही है। इन नकाबपोश लाठीधारी गुंडों पर नजर डालिए, जो सरेआम वीरभूम की सड़कों पर निकल पड़े हैं। ये सत्ताधारी टीएमसी की जय हिंद वाहिनी है। इस वाहिनी ने रैली निकाली और टीएमसी नेताओं ने खुलेआम ऐलान किया कि अगर पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो इसके कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। टीएमसी के इलाम बाजार ब्लॉक अध्यक्ष फजलुल रहमान ने कहा कि जय हिंद वाहिनी उन इलाकों की जिम्मेदारी संभालेगी जहां बीजेपी कथित तौर पर गड़बड़ी फैला रही है। वहीं एक टीएमसी नेता ने यहां तक कह दिया कि हर गोली का जवाब बम से दिया जाएगा। उधर हावड़ा के सांसद प्रसून बनर्जी के पोस्टर पर जय श्री राम लिखते समय पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। बीजेपी नेता उमेश राय ने कहा कि अगर दीदी जय श्री राम के नाम से चिढ़ती हैं, तो हम लोग तमाम जगहों पर जय श्री राम लिखेंगे। उनको जय श्री राम गाली लगती है, जय श्री राम बोलने पर वो उखड़ जाती है। आज पूरे भारतवर्ष से ममता बनर्जी के नाम से पोस्ट कार्ड जय श्री राम के भेजे जा रहे हैं। यही हावड़ा में ही पास में नवान्नों उनका कार्यालय है। हम लोगों ने रास्ते पर जय श्री राम लिखकर उनको संदेश देने का काम किया है कि दीदी अगर इधर से गुजरेंगी तो इनको यहाँ भी जय श्री राम दिखेगा। भारतवर्ष के लोगों के हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, दीदी आप उनको ना हटा सकती है ना मिटा सकती है। यानी एक तरफ टीएमसी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जय हिंद वाहिनी जैसे संगठनों को सक्रिय कर रही है, वहीं बीजेपी जय श्री राम के नारे को हथियार बनाकर सड़कों पर उतर रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में सियासी खून खराबा बढ़ने के आसार हैं। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इन सारी घटनाओं पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने चिंता जताई है। गृह मंत्रालय के दावों को खारिज कर ममता बनर्जी सरकार ने टकराव को और बढ़ा दिया है। वहीं राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी बंगाल के हालात को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे।
मनुज्ञा लोहिवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। बशीरहाट वो इलाका है जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वहीं टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा। इस चुनावी जीत हार के बाद ऐसा हाहाकार मचा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। शनिवार को हिंसा का जैसा खौफनाक मंजर दिखा, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मेरा भाई को मर का पूरा काट का पीस करके फेंक दिया इधर। পুলিশ কোনো কথা বলেনি ওখানে, পুলিশ চুপচাপ বসেই আছে, নেদার থানার পুলিশ আর আমাদের রাজবাড়ি ক্যাম্পের পুলিশ। চারটের দিক থেকে ওই মিছিল করে গেছে, মিছিল করার পরে ওই তখন থেকে ওরা কেড়ে নিয়ে চলে গেছে, ওই দিক পালাচ্ছিল। उत्तर 24 परगना के संदेश खली में चीख पुकार मची है। शनिवार की शाम यहां बीजेपी के 4 समर्थकों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोप है कि टीएमसी की रैली के दौरान उसके कार्यकर्ताओं ने यहां उपद्रव मचाया और बीजेपी समर्थकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। रविवार को मृतकों के परिजन उनके शवों को कोलकाता के बीजेपी हेडक्वार्टर लाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। देखिए, ये तो जो परिवार लोग है, डेड बॉडी के साथ परिवार लोग है, परिवार लोग चाहते हैं पार्टी ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद नीमताला जो शासन है उधर जाके सत्कार भी होंगे, लेकिन पुलिस का पूरा पूरी जो ममता का जो पुलिस है पूरा पूरी रोक रहा है, क्योंकि उन लोग बोल रहा है, उन लोग निर्देश दे रहे हैं ये जो डेड बॉडी है उसका गाँव में होगा या शहर में होगा या कहाँ होगा, ये पुलिस क्यों डिसाइड करेगा। दरअसल ममता सरकार ने किसी भी तरह की रैली पर रोक लगा रखी है, लिहाजा पुलिस ने शवों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा को मृतकों के परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। जो खून हुआ उसको रोक नहीं सकता, बॉडी को रोकने का काम कर रहा है और 3 जगह में बैरिकेड किया है, चौथा जगह है, तो ऐसा कोई जगह में ऐसा हुआ। मैंने पुलिस को बोला जो मैं वचन देता हूँ कोई जुलूस नहीं होगा इस डेड बॉडी को लेके, पार्टी ऑफिस में बॉडी जाएगा, उसमें मल्लार्पण होगा और उसके बाद शमशान घाट में सत्कार उनका होगा। बीजेपी नेता मृतकों के शवों को लेकर उसी मलंचा रोड से गुजर रहे थे जो बशीरहाट को कोलकाता से जोड़ती है। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन नहीं झुका और बीजेपी नेताओं को आखिरकार शवों को कोलकाता लाने की जिद छोड़नी पड़ी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि मृतक की मां की तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। सत्कार आज के ही कर देवे, तार कारण और मां एवं परिवार लोकर असुस्थ हो पड़े এবং এখন এই তো এখানে আছে, কিরকম বিলাপ করে কাঁদছে। অতএব সৎকার যেখানে ওখানে প্রথা অনুযায়ী যেখানে হওয়া উচিত সেখানে হবে, আমার সেটা জানা নেই। शनिवार शाम हुई हिंसा में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। उत्तर 24 परगना में संदेश खली के नेजत इलाके में बीजेपी समर्थक प्रदीप मंडल, सुकांत मंडल और टीएमसी समर्थक कयूम मुल्ला की हत्या कर दी गई। इधर शेख सजन का और कादिर का दुष्कृति और जियाउद्दीन का दुष्कृति, वो लोग बांग्लादेश का रहेंगा लेके आया, उसको बॉडीगार्ड सब लेंगे रहेंगे ही, वो बांग्लादेशी अत्याधुनिक वस्त्र, हम भी पुलिस बोर्ड में ड्यूटी था, देखा केंद्रीय वाहिनी का जो अस्त्र है, केंद्रीय वाहिनी के पास का जो 47 है, जो SLR है, उस मैसेज ले रहेंगे के लेके वो लोग मेरा घर आक्रमण कर दिया, वो पार्टी का नाम करके तृणमूल का दुष्कृति, मेरा घर बाड़ी सब भांग कर दिया, लूट कर दिया, मेरा घर पर रहता पुलिस के सामने, ओरा बंदूक बोम সব নিয়ে পুলিশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, বোমা বন্দুক সব কিছু নিয়ে সশস্ত্রভাবে ওরা মিছিল করেছে, পুলিশ কোনো কথা বলেনি ওখানে, পুলিশ চুপচাপ বসেই আছে, নেদার থানার পুলিশ আর আমাদের রাজবাড়ি ক্যাম্পের পুলিশ।
बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता देवदास मंडल का कोई अता पता नहीं है। ये वो इलाका है जहां बीजेपी को चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली। इस वजह से ही टीएमसी ने यहां बड़ी रैली आयोजित की थी। इस रैली में तमाम पंचायत नेता शामिल हुए थे, लेकिन इस दौरान जो हुआ उसने पूरे बंगाल को हिला दिया। चुनाव बाद यहां अब तक की सबसे बड़ी हिंसा हुई। बशीरहाट में इंटरनेट बंद करना पड़ा और अब प्रशासन धारा 144 लागू करने पर भी विचार कर रहा है। मनोज लोहिवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।